अच्छा किन्नी उम्र हैगी ताड़ी? 72 साल। ये चलना हैगा तो खा लिया, नहीं हैगा तो नहीं खाता। भुखे रहिंदे जे तो की करा फिर? मैं दिल दी मरीज हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वेंदा नहीं अखा मेरी। तो हूँ दिल का अटैक होया, लत्तां खराब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ साहिब। नाज़रीन, लाहौर के एक पोश इलाके के एक फुटपाथ पे एक ऐसी खातून जो कि बुज़ुर्गी की हालत में है, तकरीबन 70 से 72 साल इनकी उम्र है, वो बरसरे रोज़गार के लिए ये चंद मास्क बेच रही हैं। इन मास्क से कभी घर पूरा नहीं होता, अखराजात नहीं पूरे होते। और अगर बात की जाए तो ये इस उम्र में क्यों ये चीज़ें बेच रही हैं, तो मैं इनसे भी जानूंगा। और ये बता दूं, इस उम्र में इंसान जो है वो कोशिश करता है कि उसकी औलाद उसको जो है पाले, उनकी खिदमत करे और उनकी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरी करे, मगर ऐसा क्या हो चुका है उनके साथ कि वो इस उम्र में आज मास्क लगा के अपने जो है घर को चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, की हाल है ताड़ा? ठीक है। अच्छा, नाम दसना तेरा अपना? सोरा बेबी। अच्छा, किन्नी उम्र हैगी ताड़ी? 72 साल। अच्छा, यह दसो कि की नाली है इस उम्र के बीच, तो औलाद जी माँ प्यो खुवादी है, उन्होंने पाल दी है, तो तुम आप मास्क ला के बैठे हो? तो कोई है ही नहीं, एक है वो बीमार है, तो कि कौन लेंदा ही? की होया है ताड़े पुत्र नू? होया ना, दो मेदे ऑपरेशन होए सी, वड्डे पेशाब वाली नालियां बाहर से, तो चार उनदिया बच्चिया ने छोटिया छोटिया। शादी शुदा है, चार बच्चे ने? हाँ, निके निके। तो उन्होंने कौन पालता पे है? मैं ही इतों ले जाने हैं। तकरीबन किन्नी बचत आ जाती है? तो 10 रुपए का मास्क बेचते हो गए तुम, तो किन्ने को पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे तुम दिन के? जमें हल्द नहीं हाँ, जमें हल्द लोग नमाज पढ़ते हैं तो फिर लाए जाते। अच्छा, तो कितों आते हो तुम? कसूरों। कसूरों? कसूरों इन्नी दूरों तुम लाहौर आते, तो कि मैनेज होंगे तुम्हारा सारा मामला? बस हो ही जाता। खावन जिंदा ने तुम्हारे? नहीं। किन्ने किन्नी देर हो गई उन्होंने फोत हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ने। मकान अपना है? घर नहीं, किराए से रहने। किराए से गए? हाँ। तो किवें मैनेज करते हो, किवें कार चलाते हो, किस तरह सिस्टम चलता है कार का? ये चलना है तो खा लिया, नहीं है तो नहीं खाता। भुखे रहते जे तो की करा फिर? मैं दिल की मरीज हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वेंदा नहीं अखा मेरी, आप बीमार रहनी है, परेशान रहने। तो कोई मदद नहीं करता ताड़ी? कोई रिश्तेदार दे विचो, कोई मोहल्लेदार दे विचो? कोई भी नहीं करता? तो किवें गुजारा करते हो सारा दिन? चार चार बच्चे ने ताड़े पुत्र दे, बीमार ने, दवाइया ने, आप भी तुसी बीमार हो, तो दिल दे मरीज हो तुसी, तो किस तरह गुजारा करते जी? दवा सारियाँ पी। मास्क से इन्नी बचत आ जाती है कि घर का गुजारा हो जाता है? बस थोड़ा बहुत हो ही जाता, बच्चों को इन्नी इन्नी रोटी दो तो पानी पी लो, चलो सौंयो। सिर्फ रोटी दे पानी च गुजारा कर दे जी? कभी दिल नहीं करता कि गोश्त खाइए, कोई चंगी चीज़ खाई? ख्वाहिशात मार गई हैं ताड़ियाँ? और के लत्तां सुक गई हैं, हूँ दिल का अटैक होया तो लत्तां खराब हो गई। तो जो दिल का अटैक होया, दिल के अटैक वाले बंदे नूं ते डॉक्टर कहंदे ने कि तुसी आराम करो। कितों आराम कर, कोई है जिहड़ा देवे रोटी भी दे ला। नाज़रीन, मेरे साथ ये 72 साल माँ मौजूद है कि किसी ने सही कहा है कि माँ की ममता बहुत बुलंद होती है। खुद बीमार हैं, दिल के आर्जा की मरीज़ हैं, हार्ट अटैक भी हुआ है इन्हें, टांगों से चल भी नहीं सकती, मगर ये कितना इंसान बचा लेगा इस चीज़ से, अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी सेहत के लिए, अपनी सेहत को दाव पे लगा कर जो है उस कमाने के लिए निकली है, क्योंकि छोटे छोटे उनके 4 बच्चे हैं। और ये बहुत ही, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। नाज़रीन, किराए का मकान है, बेटा एक ही है, बीमार है,
उसके मैदे के ऑपरेट हुए हैं, खुद भी बीमार हैं और किराए झोंपड़ी में रह रही हैं। कह रही हैं, बता रही हैं हमें कि पानी से रोटी जो है ना खा के गुजारा करती हैं, कभी मिल जाती है रोटी, कभी नहीं मिलती। मेरी उन तमाम मौजिस मुखैर हजरात से दरख्वास्त है कि लाहौर के जिसमें ये डिफेंस के पोश इलाके में मौजूद हूँ, आप इस तरह की कई ऐसे माएँ, कई ऐसी बहनें जो कमाने निकलती हैं, जो जिसे सही मायनों में सफ़ेद पोश कहा जाता है, खुदारा उनकी मदद कीजिए, खुदारा उनकी मदद कीजिए ताकि वो अपने घरों को चला सकें और तीन वक्त नहीं तो दो वक्त की तो रोटी खा सकें। और मेरी हुकूमत है वक्त से भी गुजारिश है कि जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे गरीब, ऐसे बीमार बुज़ुर्गों की जो है दादरसी करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।